हाँ जी दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कॉर्ड्स के ऊपर। मैं आपको इस तरीके से कॉर्ड्स को सिखाऊंगा जिससे आपको सारे कॉर्ड बजाने आ जाएंगे। मेजर कॉर्ड्स हैं आपके, चाहे माइनर कॉर्ड्स हैं, वो सारे कॉर्ड्स आप बजाने लग जाएंगे। क्योंकि मेरी हर बार कोशिश होती है कि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊं या जब भी कोई भी वीडियो आप लोगों के लिए डालूं, तो मेरी ये कोशिश होती है कि जो वीडियो मैं पहले डाल चुका हूं उससे मैं थोड़ा और आसान करके डालूं आप लोगों के लिए, ताकि आप उस चीज को जल्दी सीख जाएं, जल्दी समझ जाएं। तो मेरा चैलेंज है आज इस वीडियो में एकदम बड़े सिंपल तरीके से आपको कॉर्ड्स के बारे में सिखाऊंगा। सारे मेजर कॉर्ड सीखेंगे, सारे माइनर कॉर्ड सीखेंगे, और एक सिंपल और सटीक फॉर्मूला बताऊंगा जिससे आप सारे मेजर कॉर्ड माइनर कॉर्ड बजाने सीख जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको ये पूरा वीडियो लास्ट तक देखना होगा, तभी आप समझ पाएंगे, तभी जान पाएंगे। चलिए अभी कीबोर्ड के ऊपर चलते हैं जिससे मैं आपको सारे कॉर्ड्स वन बाय वन समझाता हूँ, मेजर पहले, मेजर बाद में माइनर। चलिए कीबोर्ड के ऊपर चलते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज है कि भले ही हारमोनियम है, भले ही कीबोर्ड है, दोनों में जो तरीका रहेगा सेम ही रहेगा कॉर्ड बजाने का, भले आप कीबोर्ड पे बजाइए, भले हारमोनियम पे बजाइए। सो सबसे पहला जो स्टेप रहेगा मेजर कॉर्ड में आपको सिखाने का कोशिश करूंगा कि जिससे आप किसी भी गाने के मेजर कॉर्ड निकाल पाए या फिर किसी भी स्वर का मेजर कॉर्ड। वैसे देखा जाए तो भारतीय संगीत में कितने स्वर हैं? अगर मैं आपसे पूछूं तो आपका सवाल यही होगा कि भारतीय संगीत में टोटल 12 स्वर है, जो अक्सर मैं हर एक वीडियो में बोलता रहता हूं कि 12 स्वर हैं, 12 में से 7 शुद्ध हैं, 4 कोमल और 1 तीव्र है। तो सिंपल सा इस चीज से निकल गया था कि 12 स्वर है तो कॉर्ड कितने निकालने हमें, एक तो मेजर कॉर्ड निकालने, एक माइनर कॉर्ड निकालना है। तो मतलब क्या हुआ, हर एक स्वर का एक मेजर कॉर्ड होगा और एक माइनर कॉर्ड। जैसे ये सा है, सा का एक मेजर कॉर्ड होगा और एक माइनर कॉर्ड। जैसे ये रे है, इसका एक मेजर होगा एक माइनर होगा, ठीक है। ऐसे हर एक स्वर के दो कॉर्ड होते हैं, एक मेजर और एक माइनर। सो वन बाय वन चलते हैं जिससे आपको बड़ा क्लैरिटी मिलेगी कि कॉर्ड आप कैसे निकाल सकते हैं फट से फट। आपको किसी मतलब कि रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं कॉर्ड निकालने, मैं आपको बड़ा सिंपल तरीका बताऊंगा इस वीडियो में। देखिए, मान के चलो आपको सा का मेजर कॉर्ड निकालना है, तो आप क्या करिए, इस सा के बाद आप तीन स्वर छोड़ दीजिए, 1 2 3 स्वर छोड़ देना है। ये पकड़ लिया, बीच में पहला स्वर हमने सा पकड़ा क्योंकि हम कॉर्ड सा का निकाल रहे हैं, उसके बाद हमने तीन स्वर छोड़ दिए, 1 2 3 और चौथा पकड़ लेंगे स्वर, ठीक है। तीन बीच में छोड़ दिए, फिर उसके बाद जब तीन छोड़ने के बाद जब हमने चौथा स्वर पकड़ा, तो इसके बाद 1 2 2 स्वर और छोड़ दीजिए, तो ये बन गया आपका सा का मेजर कॉर्ड, ठीक है जी। मेजर कॉर्ड में हमेशा 3 और 2 का गैप होगा, यानी कि पहले 3 स्वर छोड़ेंगे, बाद में 2 स्वर छोड़ेंगे। अगर इसको और भी सिंपल करूं, मैं दोनों तरीकों से बताऊंगा जिससे आप हर एक स्वर के कॉर्ड निकाल पाएंगे। पहला तरीका तो यही होगा कि जैसे हमने सा पकड़ा, तो इसके बाद 3 स्वर छोड़ दी, 1 2 3, ये 3 स्वर छोड़ दी और ये पकड़ लिया। इसके बाद गिन के 2 छोड़ दीजिए, 1 ये छोड़ा काले वाला और 1 ये सफेद छोड़ा, तो ये पकड़ लिया 2 छोड़ के, तो ये आपका सा का मेजर कॉर्ड हो गया। 3 और 2 का गैप रहेगा हर एक मेजर कॉर्ड। जैसे मान के लिए मैं तीसरी काली से मेजर कॉर्ड बजाना चाहता हूं, यानी कि शुद्ध मां का मेजर कॉर्ड बजाना चाहता हूं, मैं क्या करूंगा, इसको पकड़ा, इसके बाद 3 छोड़ दूंगा, 1 2 3 छोड़ दिए, फिर ये पकड़ लिया, ठीक है जी, फिर 2 छोड़ दिए, तो ये बन गया मेरा मेजर कॉर्ड। अभी मैं इसको और सिंप्लीफाई कर देता हूं। एक तो ये तरीका होगा कि 3 और 2 का गैप होता है मेजर कॉर्ड में, ठीक है जी। उसके बाद दूसरा तरीका मैं आपको ये बता देता हूँ। मान चलिए मैं सा का मेजर कॉर्ड निकाल, तो इसको मैं 1 नंबर मानूंगा, उसके बाद गिन के आप 5वां स्वर पकड़िए, ये 1 2 3 4, 5वां स्वर पकड़ा, फिर उसके बाद 8वां स्वर पकड़ना, 6 7 8, यानी कि पहला स्वर, 5वां स्वर और 8वां स्वर, तो ये बन गया 1 5 8, यानी कि ये फॉर्मूला बन गया। आप दोनों तरीकों से पकड़ सकते हैं मेरी इस बात को। 3 और 2 का गैप रहेगा मेजर कॉर्ड, पहले 3 स्वरों का गैप रहेगा, फिर बाद में 2 स्वरों का गैप रहेगा, ठीक है जी। तो 1 5 8, आप 1 5 8 से निकालना चाहते तो 1 5 8 से निकाल सकते हैं, या फिर दूसरे तरीके से निकाल सकते, जो तरीका आपको इजी लगे, जो समझने में इजी लगे, जो आपको पकड़ में आए जल्दी, वो तरीका अपनाइए। ऐसे मान चलिए मैं पा का मेजर कॉर्ड निकालना चाहता हूँ, तो मैंने पा का निकाला, तो मैं पा से गिनती शुरू कर रहा हूँ, 1 2 3 4, 5वां पकड़ना है और 6 7 और 8, ये बन गया पा का मेजर कॉर्ड, ठीक है जी। देखें तो अगर दूसरे तरीके से देखें तो ये पा पकड़ा तो 3 छोड़ दीजिए, 1 2 3 स्वर छोड़ दिए, चौथा पकड़ा फिर 1 2 2 छोड़ दो, तो भी मेजर कॉर्ड बन गया। दोनों तरीकों से जो भी आपको सही लगे अब वो तरीका अपनाइए। इस तरीके से आप हर एक स्वर का मेजर कॉर्ड, जैसे ये सा का मेजर कॉर्ड हो गया, ये कोमल रे का हो गया, ये शुद्ध रे का हो गया, ये आपका कोमल गा का हो गया, ये शुद्ध गा का हो गया, ये शुद्ध मा का हो गया, ये तीव्र मा का हो गया, ये पा का हो गया, ये कोमल धा का हो गया, ये शुद्ध धा का हो गया, ये कोमल नी का हो गया, और ये शुद्ध नी का होगा, ये ता सप्तक के सा का होगा। इस तरीके से आप सारे स्वरों के मेजर कॉर्ड इस तरीके से निकाल सकते हैं। सो इस वीडियो में सारे मेजर कॉर्ड क्लियर हो गए। अभी बात आती है माइनर कॉर्ड। माइनर कॉर्ड मेजर कॉर्ड का उल्टा होता है,
उल्टा बोले तो जैसे अपन मेजर कोड निकाल रहे तो हम क्या कर रहे थे, जैसे अपन सात पकड़ रहे तो उसके बाद तीन स्वर छोड़ रहे थे है ना, और उसके बाद दो छोड़ रहे थे, और माइनर में क्या उल्टा करेंगे, पहले दो छोड़ेंगे और बाद में तीन छोड़ेंगे, यानी कि सात पकड़ा तो एक दो छोड़ा, ये पकड़ा फिर एक दो तीन छोड़े, तो ये आपका माइनर कोड बन गया। ठीक है, माइनर कोड में पहले दो स्वर छोड़ेंगे बाद में तीन छोड़ेंगे, और मेजर में क्या था, पहले तीन छोड़ते थे बाद में दो स्वर छोड़ते थे। और अगर मैं आपको मेजर माइनर कोड का दूसरा फॉर्मूला बताऊं तो 148, जैसे अपन इसको पकड़ा, सा को पकड़ा, इसको एक नंबर गिनेंगे, दो तीन चार फिर पांच छह सात आठ 148, तो ये आपका माइनर कोड हो गया सा का। सेम इज इट इज कॉमरे का माइनर निकालेंगे 148, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये माइनर कोड हो गया। ठीक है, अगर दूसरे हिसाब से देखें तो इसको पकड़ा तो दो छोड़ दिए, एक दो फिर ये पकड़ा फिर एक दो तीन छोड़े, तो ये आपका माइनर कोड हो गया। इस तरीके से आप हर एक स्वर का मेजर और माइनर कोड निकालिए। जब तक आप ये मेजर और माइनर कोड अपने हाथों पे रचाओगे नहीं ना, मतलब कि आपकी उंगलियां इस पे नहीं चलेंगी तेजी से, जैसे मैं अगर बजाऊं तो, जैसे मैं फट से चेंज कर रहा हूं, जब तक ये चीज आपके अंदर नहीं आएगी तब तक आपको गाने में कोड लगाना नहीं आएगा। सो मेन आपको इसी चीज के ऊपर काम करना है। मैंने जितना आसान कर सकता था, जो तरीका मैं आपको बताना चाहता था मैंने बताया, बाकी आपको प्रैक्टिस से आएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं कोई जड़ी बूटी दे दूंगा तो आपको बजाना आ जाएगा, कोड निकालना आ जाएगा, तो नहीं, आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। सो ये तरीका आप नहीं, इस तरीके से आप सारे मेजर कोड निकालना सीखिए, सारे माइनर कोड निकालना सीखिए। आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको, मैं ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोज़ डाल चुका हूँ जिसमें मैंने बताया कि कॉर्ड गाने में लगता कैसे। लगाना बहुत ईजी है, बजाना कॉर्ड ढूंढना है मुश्किल है। ठीक है, सो पहले प्रैक्टिस करिए, अपने हाथ को मतलब कि रचाइए कीज के ऊपर, तब जाके कॉर्ड बजेंगे गानों में। उम्मीद करता हूँ कि मेरे वीडियो से आपको अच्छी समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो कमेंट करिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद, नमस्कार, शुक्रिया, मिलते हैं अगली वीडियो में।